सेल्फ प्रैक्टिस 7B का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखेंगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, फर्स्ट दिया है 9 एंड 1/36। मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मीन प्रोपोर्शनल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ओके, अगर हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है ए एंड बी का, ओके, सो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड सी ले लेते हैं, इज बाय सिंपल यूजिंग दिस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। ओके, हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर सकते हैं ए एंड सी का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है 9 एंड 1/36। ओके, हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू रहेगी हमारे लिए ए एंड ये वैल्यू रहेगी एज अ सी। ओके, सो हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 1/36 इक्वल्स टू, सिंपली आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 1/36 करना है। ओके, देन ये सिंपली बहुत है, 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36, सो लास्टली हमें क्या मिलता है, 1/4। ओके, देन अंडर रूट ऑफ 1/4 अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1, एंड अंडर रूट ऑफ 4 मीन्स क्या आता है, 2। सो 9 एंड 1/36 का मीन प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा हमें, 1/2। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, दी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन नाइन एंड 1/36 इज क्या है, 1/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 0.01 एंड 0.81। ओके, 81, इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो सिंपल मेथड है, सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.01 एंड 0.81 इक्वल्स टू, क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ 0.01 मल्टीप्लाइड विथ 0.81। ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 0.01 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.81 को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 81 एंड कितने डिजिट, 4, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 0.0081। ओके, देन इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9, एंड 4 डिजिट है, तो आंसर कितना आना चाहिए था इसका, 0.09। ओके, तो दैट मीन्स मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा, 0.09। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, दी मीन प्रोपोर्शनल दी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.01 एंड 0.81 इज 0.09। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 40। ओके, हमें यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो
तो सबसे पहले जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन हम प्रोपोर्शनल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इफ ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, ओके आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो ए होती है, ये ए फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी मीन प्रोपोर्शन है एंड सी थर्ड प्रोपोर्शन है। ओके, ए फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी इज मीन प्रोपोर्शन एंड सी इज थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, दैट इज हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें वैल्यू किसकी गिवन दी गिवन है, ए एंड बी की। ओके, तो सिंपल है, अगर हमें किसी का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, सो थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू, सिंपल है, क्या करना है हमें, बी इंटू बी करना है और उसे डिवाइड करना है किससे, ए से। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हमें, बी इंटू बी और उसे डिवाइड करना है ए से। अब ये एग्जैक्ट एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स ये रेशियो बनता है ए इज टू बी, ओके इक्वल्स टू बी टू सी, द रेशियो ऑफ बी टू सी। तो ये फॉर्म बनता है बी इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी। ओके, ऐसा रेशियो बनता है, ये किस तरीके से बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड देन अगर हम ए को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो बी इंटू बी अपॉन ए इक्वल्स टू बनता है सी, एंड सी क्या है हमारा, थर्ड प्रोपोर्शन है, तो देखिए बी इंटू बी अपॉन ए, दैट मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाएगा हमें, सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस यही प्रोसीजर हमें इस क्वेश्चन में फॉलो करनी है और हम डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। सो थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 40 इक्वल्स, सो क्या करेंगे हम लोग, बी इंटू बी अपॉन ए, सो बी की वैल्यू है 40, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, 25। ओके इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 जो होता है 25 एंड 5 8 जा 40, अगेन 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा, सो 8 इंटू 8 एंड 8 8 जा कितना होता है, 64। तो 64 क्या होगा उसका, थर्ड प्रोपोर्शन। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, ओके इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, देयर फोर दी थर्ड प्रोपोर्शनल दी थर्ड प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 40 इज 64, ओके एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ। ओके, 8 मीटर क्लॉथ की प्राइस ₹600 दी है, तो हमें 15 मीटर क्लॉथ की प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूनिटरी मेथड भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस हम निकाल देंगे एंड देन उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हमें इसे प्रोपोर्शनल से सॉल्व करना है तो हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या किया है, सबसे पहले 15 मीटर क्लॉथ की प्राइस मैंने कंसिडर कर ली है ₹X। ओके, तो अगर यहाँ पर 8 मीटर क्लॉथ की प्राइस ₹600 दी है और हमें उसी के कंपैरिजन में 15 मीटर क्लॉथ की प्राइस निकालनी है, तो यहाँ पर क्या प्रोपोर्शनल में मीन्स क्या होता है, इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो जब भी इस तरीके का कंपैरिजन जब रहेगा तब तो वो दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में रहते हैं। ओके, तो देयरफॉर अब अगर हम क्लॉथ का रेशियो लेते हैं तो कितना है, 8 मीटर क्लॉथ टू द 15 मीटर। ओके, यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, तो 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस कितनी है? 600 रुपीज़। ओके, एंड 15 मीटर क्लॉथ की प्राइस क्या कंसिडर किया हमने? X रुपीज़। ओके, तो ये इक्वल रेशियो में रहेगा, इक्वल प्रोपोर्शन, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में रहेगा। ओके, देन देखिए 8 मीटर क्लॉथ के लिए प्राइस कितनी थी? 600 रुपीज़। एंड 15 मीटर क्लॉथ के लिए प्राइस क्या है? X रुपीज़, जो हमने कंसिडर किए हैं। तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 600 × 15 / 8। सो एक्स इक्वल्स टू, ओके, अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो 8 × 1 = 8 एंड इसे 7 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 75। ओके, 8 से अगर 600 को डिवाइड करेंगे तो 75 आंसर आएगा। देन 75 × 15, सो यू विल गेट द आंसर 75 × 15 1125। ओके, दैट मीन्स 15 मीटर क्लॉथ की प्राइस कितनी होगी? 1125। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 85 कॉपीज ऑफ अ बुक फॉर एवरी 100 कॉपीज प्रिंटेड, अ पब्लिशर फाइंड्स दैट 450 कॉपीज आर लेफ्ट अनसोल्ड। हाउ मेनी कॉपीज वेयर प्रिंटेड? 100 कॉपीज प्रिंट करने पर 85 कॉपीज सोल्ड आउट होती है, तो पब्लिशर को पता चलता है कि टोटल 450 कॉपीज रिमेनिंग है, ओके, जो अनसोल्ड है। तो टोटल कितनी कॉपीज प्रिंट की हुई है ये हमें निकालना है। ओके, 100 कॉपीज पर 85 कॉपीज सोल्ड आउट होती है। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि 100 कॉपीज अगर प्रिंट होती है तो कितनी कॉपीज अनसोल्ड होगी, वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर 100 कॉपीज प्रिंट होती है, ओके, तो उस पर 85 कॉपीज सोल्ड होती है। ओके, देन देन 100 कॉपीज अगर प्रिंट होती है तो उस पर 85 कॉपीज सोल्ड आउट होती है, तो देयर फोर कितने बचेंगे? 100 में से 85 गए तो 15 कॉपीज वेयर अनसोल्ड। ओके, तो 15 कॉपीज क्या होगी? अनसोल्ड रहेगी। ओके, हर 100 कॉपीज पर 15 कॉपीज क्या रहेगी? अनसोल्ड रहेगी। ओके, 100 कॉपीज पर 85 कॉपीज क्या होती है? सोल्ड होती है। तो 100 − 85 करेंगे तो 15 कॉपीज बचती है, दैट मीन्स 15 कॉपीज ऐसी रहेगी जो अनसोल्ड रहेगी। ओके, देन पब्लिशर को क्या पता चलता है कि टोटल 450 कॉपीज क्या है? अनसोल्ड है। ओके, टोटल 450 कॉपीज अनसोल्ड है, तो टोटल कितनी कॉपीज प्रिंट की गई है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी हम रेशो का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो कंसीडर करो कि टोटल लेट एक्स कॉपीज बी अनसोल्ड, बी प्रिंटेड। ओके, कंसीडर करेंगे कि एक्स कॉपीज क्या की गई है? प्रिंट की गई है। ओके, तो अब 15 कॉपीज अगर अनसोल्ड है तो उसका रेशो लेंगे। टोटल कितनी कॉपीज अनसोल्ड है? 450 इक्वल्स टू, ओके, देन 15 कॉपीज के लिए टोटल कॉपीज कितने प्रिंट हुई है? 100, एंड 450 कॉपी अनसोल्ड के लिए टोटल कॉपीज कितने प्रिंट हुई है? एक्स। ओके, ऑल ओवर कितने कॉपीज अनसोल्ड है? 450। ओके, और टोटल प्रिंट कितनी हुई है? एक्स। तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा। ओके, ये किसका है? ये उस हमने किसका रेशो लिया है? ऐसी कॉपीज जो अनसोल्ड है, और ये किसका रेशो लिया है? टोटल जो कॉपीज प्रिंट हुई है। ओके, 100 कॉपीज प्रिंट होती है तो उसमें से 15 बचते हैं, एंड अगर टोटल एक्स कॉपीज प्रिंट होती है तो टोटल कितनी बचती है? 450। अब हमें एक्स का आंसर निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो एक्स इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ये इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 100
मल्टीप्लाइड विथ 450 डिवाइडेड बाय 15। सो एक्स इक्वल्स टू 15 वन ज़ा 15 एंड 15 थ्री ज़ा 45 30। सो 30 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 3000। ओके सो दैट मीन्स कितनी कॉपीज प्रिंट हुई होगी, टोटल 3000 कॉपीज। तो आंसर क्या रहेगा, देयर फोर टोटल थ्री थाउजेंड कॉपीज वेयर प्रिंटेड। ओके ये रेशो, सबसे पहले ये रेशो समझना बहुत जरूरी है। ओके हमने क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि 100 कॉपीज प्रिंट करने पर 85 कॉपीज सोल्ड होती है। ओके तो दैट मीन्स 15 कॉपीज अनसोल्ड रहेगी। ओके हमने अनसोल्ड का रेशो लिया इक्वल टू द प्रिंटेड का रेशो लिया है। ओके 15 कॉपीज अगर अनसोल्ड है तो 100 कॉपीज प्रिंट की हुई थी। ओके एंड टोटल 450 कॉपीज अनसोल्ड है तो एक्स कॉपीज क्या है, प्रिंट की हुई थी। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितनी आई, 3000। दैट मीन्स 3000 कॉपीज अगर हम प्रिंट करेंगे तो ही कितनी कॉपीज अनसोल्ड रहेगी, 450 कॉपीज अनसोल्ड रहेगी।